हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने राहुल एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों आज आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ दिल्ली के मशहूर पैलेस, जो कि बहुत ही अच्छा घूमने वाला जगह है। ये स्थान है जिसका नाम है अक्षरधाम। दोस्तों आप लोग को आज मैं दिखाऊंगा अक्षरधाम की कुछ तस्वीरें और अंदर जा रहा हूँ, और इस वीडियो में आप लोग बने रहे, आप लोग को बहुत अच्छा से दिखाऊंगा मैं। काफ़ी लोग आज अक्षरधाम घूमने के लिए आए हैं क्योंकि आज रक्षाबंधन है, भाई बहन का त्यौहार है, तो इस अवसर पे भी सभी लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बने रहें और आप लोगों को मैं आज दिखाऊंगा अक्षरधाम दिल्ली के जो मशहूर है। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था घूमने का मौका मिलेगा तो घूमूंगा, आज समय मिली है काफ़ी दिनों बाद दिल्ली में रहने के बावजूद भी है। तो कोई नहीं, आप लोगों को मैं आज दिखाऊंगा अक्षरधाम की कुछ तस्वीरें अंदर जाकर के, और बाहर भी दिखाऊंगा किस तरह की यहाँ की तस्वीरें हैं। चलिए बने रहिए इस वीडियो में। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ये बाहर की सीन है, और बाहर में जो पार्किंग का ये जो नियम है किस प्रकार है आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रबंध किया गया है पार्किंग का। चलिए फिर मैं आप लोगों को अंदर की और भी सारी बहुत सारी चीजें दिखा रहा हूँ बने इस वीडियो में। अपने मुंह को मास्क से ढक कर रखें एवं मंदिर परिसर में कम से कम। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं बहुत ही काफी भीड़ है यहाँ पर, सभी लोग आज रक्षाबंधन के अवसर पर अपने परिवार के साथ, अपने रिलेशनशिप के साथ घूमने आ रहे हैं, और बहुत ही अच्छा नज़ारा है अंदर का बाहर से देखने के बाद। और अंदर का नज़ारा क्या है वो तो आप लोग कुछ क्षणों के बाद आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। मैं आज आप लोगों को अक्षरधाम की सारी जो मंदिरें हैं, टेम्पलें हैं, उसको मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा। बने रहिए। दोस्तों ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से एंट्री होती है, यहाँ पर गार्ड के द्वारा चेक भी किया जाता है। तो दोस्तों ये अंदर की तस्वीरें हैं, और जैसे ही एंट्री किया हूँ तो पता चला है कि अंदर में मोबाइल ले जाने का अलाउ नहीं है। तो देखता हूँ, प्रयास करता हूँ। आप लोग ये देख रहे हैं पार्किंग का, ये बहुत दूर दूर से जो व्यक्ति आते हैं फोर व्हीलर से, गाड़ी से, तो उनके लिए पार्किंग का यहाँ पर इस्तेमाल, यहाँ पे देख रहे हैं जितने भी हैं ये सब पार्किंग का है। और यहाँ पे देख लिखा हुआ है ये सब अलाउ नहीं है, जैसे कि मोबाइल आप लोग देख रहे हो। तो फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, परंतु दिल्ली का ये रूल्स है तो फॉलो करना पड़ेगा। और दिल्ली का रूल्स यानी कि समझिए भारत का सबसे खतरनाक रूल्स है भाई, यहाँ पर कोई बच के नहीं जाता है। और मुझे लगता है कि फ़ोन को अपने बैग में रखना पड़ेगा। सो चलिए बने इस वीडियो में, जहाँ तक हो अब मैं आप लोग को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ अक्षरधाम की ये कुछ तस्वीरें जो बाहर की हैं। काफ़ी लोग आए हैं आज इस रक्षाबंधन के शुभ अवसर पे अपने फैमिली के साथ घूमने के लिए। लोग देख रहे हैं ये, दे दो भैया टिकट दे दो। ये देखिए जो इसको फॉर्म है इसको फिल करना पड़ेगा कि सामान सुरक्षित रूप में रखा जाएगा। ये देखिए काफ़ी लोग यहाँ पर अपना पता इस कागज़ पे भर रहे हैं। चलिए मैं भी ये फॉर्म को फिल करके जमा कर देता हूँ, फिर अंदर जाऊँगा। ठीक है, थैंक यू।
सॉरी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को अंदर की जो सीन नहीं दिखा पाए उसके लिए आप लोग सोचते होंगे कि क्या मज़ा नहीं आया वीडियो में, जिसके लिए सॉरी। इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा रूल्स बनाया है दिल्ली सरकार का। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा दिखाना चाहूँगा। ये देखिए काफ़ी भीड़ यहाँ पे, दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग साथियों। अभी मैं लाइन में लगा हूँ, लोग देख रहे हैं मेरे पास जितने सामान सब हैं, जितने सारे सामान हैं सब यहाँ पे जमा होगा। आप लोग देख रहे हैं लगने का जगह, दोस्तों आप लोग देख रहे हैं मैं अभी काउंटर के पास आ गया हूँ। यहाँ पे अपने सामान, जितने मेरे पास सामान था सब यहाँ पे रख पाया जाएगा। और ये देख लीजिए मेरे साथ में जो भी सामान थे, पेन, फोन, चार्जर, चश्मे, ये और ये पावर बैंक, ब्लूटूथ, सारे चीज़ यहाँ पे दिखाना पड़ता है, फिर इसको यहाँ पे जमा ले लेता है। बस सिर्फ मैं और हमारे साथ जो भी पैसे वगैरह हैं वो साथ जाएगा, बाकी का सब यहाँ पे रखवा लेता है। ये देखिए चलिए यहीं तक। तो दोस्तों जैसा कि अब लगभग 3 आवर के बाद, 3 घंटे बाद मैं अभी पूरा टेम्पल घूम के आया हूँ मंदिर अक्षरधाम, क्योंकि अंदर में फ़ोन अलाउ नहीं था जिसके कारण आप लोगों को मैं नहीं दिखा पाया। और मैं अभी अपना बैग लेकर के अभी सामान ले लिया वापस रिटर्न। आप लोग देख रहे हैं ये यहाँ पे सभी लोग थके हारे आए हैं अंदर से, क्योंकि यह एक ऐसा जगह है जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ अगर आते हैं तो मुझे लगता है कि आप पूरे एक दिन में भी अच्छे से नहीं घूम पाएंगे। इसके लिए आपको 1 से 2 दिन टाइम देना पड़ेगा घूमने के लिए। काफ़ी अच्छा ये यहाँ पर घूमने का स्थान है ये, और मुझे ऐसा लगता है कि भारत का बहुत ही अच्छा प्रसिद्ध स्थान है ये अक्षरधाम। तो आशा करते हैं कि आप लोग भी कभी अपने फैमिली के साथ आइए, अक्षरधाम घूमिए, बहुत ही अच्छा जगह है ये, दिल्ली में है ये अक्षरधाम। तो दोस्तों आज रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मैं आप लोगों को जो भी इस वीडियो में बनाया मैं दिखाया, जहाँ तक वो प्रयास किया मैंने, आगे बस इतना ही। और लास्ट में आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में आगे की जो आने वाला है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।